नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में पढ़ेंगे नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित सुदामा चरित। आज की वीडियो में जानेंगे पाठ का भावार्थ और शब्दार्थ, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नरोत्तम दास जी के बारे में। बच्चों, ये है नरोत्तम दास ठाकुर। ये एक भक्त कवि और संगीतज्ञ थे। इन्होंने उड़ीसा और बंगाल में गौड़ीय भक्ति का प्रचार प्रसार किया। नरोत्तम दास ठाकुर राजा कृष्ण नंद दत्त के पुत्र थे, परंतु इन्हें राजकाज से विरक्ति हो गई थी और ये वृंदावन चले गए, कृष्ण की भक्ति करने लगे। सुदामा चरित की रचना ब्रज तथा अवधि भाषा में की गई है, यानी इसमें दोनों ही भाषाओं के शब्द मिलते हैं। सुदामा चरित में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, उनके मिलन और कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। आप सभी जानते होंगे कृष्ण और सुदामा बचपन से ही मित्र रहे थे। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय दोनों बड़ी शरारतें किया करते थे, दोनों में नोकझोंक चलती रहती थी। लेकिन बड़े होने पर कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रह गए। गरीबी से तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि अपने मित्र कृष्ण से जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते, वो तो आपके मित्र हैं, वो अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बातें मानकर उसकी हठ में आकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। जब वो द्वारका पहुंचे, किस प्रकार से कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई, उनको क्या अनुभव हुआ, आइए पढ़ते हैं सुदामा चरित। सीस पगा न झगा तन में प्रभु, जानी को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी लुटी दुपटी अरु, पाए उपान नहीं को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। यहां पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, इससे व्याख्या को समझने में, भावार्थ को समझने में आसानी होगी। पहला शब्द है सीस। सीस यानी सिर, पगा यानी पग जिसे पगड़ी कहा जाता है, झगा यानी झगोला या झगला या फिर कुर्ता, तन शरीर को कहते हैं, द्वार दरवाजा, खड़ो यानी कि खड़ा हुआ है, द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, चकिसो यानी कि चकित, आश्चर्यचकित को चकिसो कहा गया है, और वसुधा यानी कि धरती, अभिरामा यानी सुंदर, पूछत यानी पूछना, और दीनदयाल कहा गया है प्रभु कृष्ण को। धाम का अर्थ होता है निवास स्थान यानी रहने की जगह। तो यहां कहते हैं सीस पगा न झगा तन में, यानी सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही तन के ऊपर कोई कुर्ता है या अंगरखा है। हे प्रभु, जाने वो किस गांव से यहां पर आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी जो धोती है वो भी बहुत फटी हुई सी है, और उसने एक अंगोछा डाल रखा है। गमछा आप सभी जानते होंगे, कंधे के ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है। और उपाय उपानह को नहीं सामा, यहां तक कि उनके पैर में भी कोई जूती या कोई चप्पल नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, आपके दरवाजे पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है। दुर्बल यानी कमजोर, वो बहुत ही कमजोर से हो गए थे सुदामा। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, वो यहाँ की जो धरती है उसकी सुंदरता को देखकर बहुत आश्चर्यचकित सा है। पूछत दीन दयाल को धाम, वो आपका धाम पूछ रहा है, यानी आपके जो राजमहल है उसका पता पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और बताता है कि उसका नाम सुदामा है। तो इन पंक्तियों में सुदामा और कृष्ण के महल के सामने जब खड़े हैं, द्वारपाल जब भीतर जाकर कृष्ण को बताता है कि आपके दरवाजे पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो ब्राह्मण है, उसकी दशा बड़ी ही दयनीय है, वो आपके बारे में पूछ रहा है, उसके सिर पर ना तो पगड़ी है ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है, पता नहीं किस गांव से वो चलकर यहां तक आया है, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि वो कहां से आया है, वह फटी हुई सी धोती और गमछा पहने हुए है, पैरों में जूते नहीं है। दरवाजे पर खड़ा हुआ वो गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर धरती को, इस पृथ्वी को और महल की सुंदरता को निहार रहा है। द्वारका नगरी को देखकर वो बड़ा ही हैरान है, सुंदर महलों को हैरानी से देख रहा है।
वो दीन दयाल यानी कि आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अगला देखते हैं। ऐसे बेहाल बेवायन सौपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से श्री कृष्ण ने जब सुदामा को देखा, उनकी दीन दशा देखी, तो उनकी क्या हालत हो गई इसका वर्णन किया गया है। तो आइए पहले देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ, ताकि उसका भावार्थ समझने में आसानी हो सके। बेहाल यानी बुरी हालत, बिवाइयां फटी हुई एड़ियों को कहा जाता है। आपने सभी ने देखा होगा जब एड़ियां फट जाती हैं, चौड़ी चौड़ी उनमें दरारें पड़ जाती हैं, तो उसे कहा जाता है बिवाई। और पग का मतलब पैर या पांव, कंटक कांटे को कहते हैं, पुनी जोए यानी कि हाथ से उन्हें निकालना, महादुख बहुत ज्यादा दुख होना, सखा यानी मित्र, इतै न कितै यानी इतने दिन कहां, दीन दशा यानी कि बुरी दशा और बुरी हालत, करुणा करके यानी दया करके, करुणा निधि दया के सागर जो कि श्री कृष्ण है, परात एक बड़ा सा खुला बर्तन होता है जिसमें कि आपने देखा होगा आटा भी गूंदा जाता है, उसी तरह का एक बर्तन होता है जिसमें पैर रखकर उन्हें धोया जाता है। हाथ छुयो नहीं यानी हाथ से छुआ भी नहीं, उसे हाथ नहीं लगाया, नैनन के जल यानी आंसू, और पग यानी पैर। तो यहां पर कहा गया है ऐसे बेहाल बिवाइयों सो, इतने ज्यादा बेहाल थे उनके पैर सुदामा के कि उनके अंदर बिवाइयां फट चुकी थी, पग कंटक जाल लगे पुनी जोए, उन्होंने उनके पैर में जो कांटे लगे हुए थे उनको एक एक करके अपने हाथ से निकाला, हाय महादुख पायो सखा, हे सखे हे मित्र तुमने इतना दुख पाया, तुम आए इतने ना कितने दिन खोए, तुम यहां क्यों नहीं आए, इतने दिन तक वहां क्यों रह गए। देखी सुदामा की दीन दशा, इस प्रकार की सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखकर, उसकी ऐसी दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, दया करके दया के सागर श्री कृष्ण खुद ही रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जो परात में उन्होंने पानी मंगाया था सुदामा के पैरों को धोने के लिए, उसको तो उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, नैनन के जल सो पग धोए, उनकी जो आंखों से आंसू बह रहे थे उसी जल से उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा उनके द्वार पर आकर खड़े हुए हैं, तो वो उसी दशा में उठकर वहां से भागे और सुदामा को अपने साथ अंदर महल में ले आए। सुदामा की बिवाइयों से भरे हुए पैर से श्री कृष्ण ने एक एक कांटा खोज खोज कर निकाल डाला और प्रेम से बोले, हे मित्र तुमसे अलग होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था, तुम इतने दिन तक कहां रहे, तुम यहां क्यों नहीं आए, तुम मेरे पास पहले ही क्यों नहीं आ गए, इतने दिन तक तुम इतना कष्ट क्यों झेलते रहे। सुदामा की ऐसी हालत देखकर दया के सागर श्री कृष्ण खुद ही रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए जो परात मंगाई थी जिसमें जल था, वो उन्होंने हाथ से छुआ भी नहीं बल्कि अपने आंखों के आंसुओं से जल से ही उनके पैरों को धो डाला। आइए अब देखते हैं अगला पद। कछु भाभी हम को दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत, आगे चना गुरु मातु दिए ते लय तुम चाबी हमें नहीं देते, श्याम कहायो मुस्काये सुदामा सो चोरी की न बान हो जुप्रवी ने, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भी ने, पाछिली बानी अहो न तजो तुम ते सही भाभी के तंदुल की ने। अब यहाँ पर सुदामा जो श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए लेकर आए हैं, वो कृष्ण की इतनी ज्यादा उन्होंने देखा कि तो राजा हो चुके हैं, उनके लिए वो भेंट बहुत ही मामूली सी है, तो शर्म के कारण वो उन्हें नहीं दे रहे थे। कृष्ण इस बात को भांप जाते हैं। तो भावार्थ जानने से पहले आइए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कछु यानी कि कुछ, काहे किस कारण से, देत यानी देते हो या देना, चापी यानी छिपा लेना, पोटरी पोटली को कहा गया है जो कपड़े से बनी हुई होती है, चाबी यानी कि चबाना,
बान आदत को कहा गया है, प्रवीण यानी कुशल, पाछिली बानी यानी पूरी पुरानी जो आदत है, तजी यानी छोड़ देना, और तंदुलकार अर्थ होता है सौगात। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, कि भाभी ने यानी तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए कुछ भेंट अवश्य भेजी होगी, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, ये जो तुमने अपनी कांख में यानी अपनी बगल में जो पोटली दबा रखी है, छुपाए हुए हो, वो तुमने किसके लिए छुपा रखी है। आगे चना गुरु मातु देते, लाए तुम चाबी हमें नहीं देते। वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारी शायद बचपन की ही आदत है, जब गुरु माते हमें चने देती थी खाने के लिए, चबाने के लिए, उस समय भी तुम चुपके से उनको चबाकर खुद ही खा जाते थे, मुझे कभी नहीं देते थे। यहाँ पर एक कथा है कि जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु संदीपन के आश्रम में पढ़ रहे थे, तो गुरु माता ने एक दिन उन्हें लकड़ी काट कर लाने का काम दिया और रास्ते में खाने के लिए चने दिए कि यदि भूख लगे तो चने खा लेना। ऐसे में क्या किया सुदामा ने, सुदामा ने वो सभी चने खुद ही खा लिए, कृष्ण को नहीं दिए। श्याम कहायो मुस्काए सुदामा सो, श्याम ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा, चोरी की बाने में हो जू प्रवीणे, तुम तो बचपन से ही चोरी की इस कला में प्रवीण हो यानी कुशल हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, ये जो पोटली तुमने अपनी बगल में छुपाई हुई है, खोलत नहीं सुधारस भीने, तुम इसे खोलते क्यों नहीं हो, इसमें तो सुधा रस की यानी कि अमृत के जैसे रस की खुशबू आ रही है। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पिछली आदतें तुमने अभी तक नहीं छोड़ी, तैसे ही भाभी के तंदुल की ने, इसीलिए तुम शायद मुझे भाभी के द्वारा भेजे गए तंदुल यानी चावल नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने वो जो उनके द्वारा भेजा गया तोहफा था, उपहार था, वो ले लिया सुदामा से और तंदुल खा लिए। अब उन्होंने कृष्ण ने सुदामा को विदा कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, सुदामा रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जाती जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हु तो वाही पठियो ठेली, अब कही हो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। चलिए भावार्थ जाने से पहले जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। पुलकनी यानी कि खुश होकर, उठी मिलनी उठकर गले से मिलना, पठवनी यानी कि भेज देना, जात यानी कि जाना, हरि कृष्ण को कहा गया है, राज समाज यानी राज्य, ओढ़त फिरत इधर उधर फिरना, तनक यानी थोड़ा, वाही पठेओ यानी कि मुझे खाली हाथ ही भेज दिया, ठेली भेजना, धरो धरना यानी रख लेना, और सकेली यानी संभाल कर। इस पद में कृष्ण ने जब सुदामा को खाली हाथ वापस भेज दिया, तो सुदामा बड़े दुखी होते हुए रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं। वो कहते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, जब मैं वहां पहुंचा तो श्री कृष्ण मुझे देखते ही बड़े प्रसन्नता से गले लगाकर मुझे मिले थे और मेरा बड़ा आदर सत्कार किया था, परंतु विदाई के समय क्या किया, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। वो कहते हैं कि विदा करने के अवसर पर उन्होंने मुझे खाली हाथ ही वापस भेज दिया, ये कृष्ण की बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो सुदामा कहते हैं कि कृष्ण के बचपन की याद तो आती है मुझे, तो कृष्ण वैसा ही है अभी भी, वो मांग कर घर में दही खाता फिरता था, हर घर में हाथ फैलाता था कि दही चाहिए मुझे, दही चाहिए, अब वो भला मुझे क्या देगा। सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते हैं, परंतु पत्नी की जिद के आगे वो यहाँ पर आ गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी जिद करके उन्हें भेज दिया था। अब सुदामा बड़े नाराज हो रहे हैं, वो कहते हैं, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, क्या फायदा हुआ अगर वो आज राजा बन गया है, इतना बड़ा राज्य संभाल रहा है तो अभी भी वो ही चोर, तो वो मुझे क्या देगा। हो आवत नहीं हु तो वाही पठियो ठेली, मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, लेकिन जो मेरी पत्नी है उसी ने ही मुझे जबरदस्ती जिद करके यहाँ भेज दिया, अब कहीं हो सुझाए के बहु धन धरो सकेली, अब जब मैं घर जाऊंगा तो बताऊंगा कि ले अब जो दिया है कृष्ण उसे संभाल कर रख लो, बहुत सारा धन दिया है मुझे। अब ये थोड़ा सा वो इसमें ताना मारते हुए कह रहे हैं कि पत्नी को कहूंगा कि देखो बहुत सा धन लेकर आया हूं, इसे संभाल कर रख लो, मेरा यहाँ आना बेकार चला गया, जो मैं चावल भी मांग कर लाया था
वो भी मेरे चावल भी चले गए, बदले में तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैं खाली हाथ वापस लौट रहा हूं। जब वो वहां पहुंचे अपने गांव में तो देखा वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परयो कबहू मारग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फेरे सब सो पर झोंपरी को कहूं खोज ना पायो। अब जब सुदामा इन सब बातों को सोचते सोचते अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कहीं वापस तो वो द्वारका नहीं पहुंच गए हैं। तो चलिए पहले जानते हैं शब्दार्थ। वैसोई यानी वैसा ही, गज बाजी गज हाथी को कहते हैं और बाजी यानी घोड़ा, संभ्रम यानी कि भ्रम, छायो यानी कि हो गया, मारग रास्ते को कहा गया है, फेरी के इसका मतलब है दोबारा, भौन भवन को कहा गया है, बिलोकी बे यानी देखना, लोचत लालच को कहते हैं और मझायो यानी बीच में, झोंपड़ी झोंपड़ी को कहा गया है, खोजना पायो यानी कि ढूंढ भी नहीं पाया। तो यहाँ पर जो सुदामा है जब वो द्वारका से वापस अपने गांव पहुंचे तो वहां का हाल देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस प्रकार से यहाँ इतना बदलाव आ गया है। वो नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण ने जो दो मुट्ठी चावल खाए थे उसके बदले में उन्होंने उन्हें दो लोगों की धन संपत्ति दे दी थी। तो जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सब ऐसे ठाट बाट हैं जैसे कि उन्होंने द्वारका में देखे थे। तो वो कहते हैं वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, यहाँ पर तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही राज्य है, वैसे ही यहाँ हाथी घोड़े और जो सेवक सेविकाएं हैं वो नजर आ रहे हैं, मेरे मन में तो भ्रम छा गया है, केंधो परयो कहूं मारग भूली के फेरी के मैं अब द्वारका आयो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लगता है मानो मैं वापस रास्ता भूलकर द्वारका तो नहीं पहुंच गया, भौनी बिलोकी बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। अब भवन देखने के लालच में जब वो थोड़े भीतर गए तो उन्होंने अपने गांव को पहचान लिया, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोंपरी को कहीं खोज ना पायो। इस प्रकार से पंडित जी यानी सुदामा सभी से पूछते फिर रहे हैं कि किसी ने क्या उनकी झोंपड़ी देखी है, कहीं उनके झोंपड़ी का कोई पता बता दे, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी कहीं नहीं मिल रही, वो उसे नहीं खोज पाए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो दो मुट्ठी चावल खाए थे उसके बदले में उन्हें दो जहान की यानी दो लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी थी, तो इसीलिए उनका जो पूरा गांव था वो इतना सुंदर हो गया, वहां महल बन गए, घोड़े हाथी सभी दिखाई दे रहे थे उन्हें। कह वह टूटी सी छानी हती कहूं कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग न पन ही न हती कह ले गजराज हूं ठाहे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुर तो नहीं कोदी सवा कह प्रभु के परतापते दाख न भावत। अब श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा का जीवन बदल गया है। तो आइए पहले जानते हैं शब्दों के अर्थ। छानी यानी झोंपड़ी, कंचन सोने को कहते हैं, धाम का अर्थ होता है महल या फिर घर, पनही पैर में पहने जाने वाला जूता, गज राजहू यानी कि हाथियों के ठाट बाट, भूमि धरती या जमीन को कहते हैं, कटे यानी कटना या गुजरना, कोमल सेज यानी मुलायम बिस्तर, जुड़तो यानी कि जुड़ना या उपलब्ध होना कोई चीज, कोदी सवा घटिया चावल जो मतलब बहुत सस्ते से चावल होते हैं उन्हें कोदी सवा कहा जाता है, दाख किशमिश मुनक्का अंगूर इत्यादि को कहते हैं, पग पैर को कहा गया है, कठोर यानी सख्त और परताप यानी कृपा से। तो कहते हैं कि जो सुदामा है उनकी दशा इस प्रकार से बदल गई कि कै वह टूटी सी छानी हती, कहां तो एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कहां सोने से बने हुए महल बन गए हैं अब उनको, कै पग में पन ही न हती, कहां तो उनके पैर में जूती भी नहीं थी, कह ले गज राजा हूं ठाड़े महावत, और कहां आज उनके दरवाजे पर हाथी लेकर महावत हमेशा खड़े रहते हैं, यानी कि इनके इतने ठाट बाट हो गए हैं कि पैर जमीन पर रखने ही नहीं पड़ते, हाथियों पर चढ़कर वो सवारी करके चलते हैं, भूमि कठोर पे रात कटे, कहां तो कठोर धरती पर लेटकर रातें कटती थी उसमें भी बड़ी अच्छी नींद आ जाती थी,
कह कोमल सेज पे नींद ना आवत। कहां आज कोमल सेज है, यानी बड़ी मुलायम बिस्तर है, परंतु अब नींद नहीं आती है। कह जुर तो नहीं कोदी सवा। कहां तो सस्ता घटिया चावल भी जुटा पाना बड़ा मुश्किल था, यानी पेट भरने के लिए उन्हें सस्ते चावल भी नसीब नहीं होते थे। कहां प्रभु के परतापते दाख ना भावत, और कहां आज उनके पास मेवे मुनक्के अंगूर इत्यादि हैं, जो उनको अब अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो समझ गए हैं कि श्री कृष्ण की दया ही सब कुछ है, यानी कि दयानिधान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ उन्हें मिल गया है, परंतु उनका मन इन सब चीजों में नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ कृष्ण की भक्ति चाहिए और वो उसी में लीन रहने लग गए हैं, यानी कि कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपनी मुसीबत में फंसे हुए मित्र की मदद की, उसकी सहायता की। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसीलिए इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है। कृष्ण जैसा मित्र मिलना बहुत कठिन है। कोशिश कीजिएगा कि आप भी कृष्ण के समान मित्र बन सकें। मुसीबत में फंसे हुए अपने मित्र की मदद के लिए हमेशा आगे आते रहिएगा। मित्रता कभी भी गरीबी अमीरी में निबंध कर नहीं रहती। सच्चा मित्र किसी भी परिस्थिति में हो अपने मित्र की सहायता अवश्य करता है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने राजा होते हुए भी अपने निर्धन मित्र की सहायता की, उन्होंने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया, कुछ मांगने का अवसर दिए बिना ही उसकी सहायता कर दी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी प्रकार के मित्र बने, कि कभी भी अपने मुसीबत में फंसे हुए मित्र को ना तो लज्जित होने दें और ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का अवसर दें। तो कृष्ण की मित्रता, सुदामा की मित्रता विश्व प्रसिद्ध है। तो हमने जाना इस पाठ का भावार्थ तथा शब्दार्थ। एक नए वीडियो के साथ, पाठ के MCQs और प्रश्नोत्तर के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नई वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।